थिंक वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्लास सो फिफ्थ क्लास, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश बुक, टेक आउट पेज नंबर 70, टेक आउट पेज नंबर 70 ऑफ योर इंग्लिश बुक। अपनी अपनी इंग्लिश बुक का पेज नंबर 70 निकालो क्लास। आज मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल करा रही हूँ, जो आपके चैप्टर नंबर 11 में दे रखा है। पेज नंबर है आपका 70, ठीक है। पेज नंबर क्या है? 70। इसमें है पेज नंबर 70 में पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट और पास्ट को मिला के वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल एक वो फॉर्म है जो आपको बताती है कि आपका जो एक्शन है ऑलरेडी आपके पास्ट में, आपके पास्ट में मतलब आपके वर्तमान के, आपके कल में मतलब जो आपका बीत गया समय उसमें हो चुका है। जैसे हम भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल है, तो आपके भूतकाल में वो हो चुके हैं, ऑलरेडी बीत चुका है। पास्ट पार्टिसिपल हमें वो इंडिकेट करती है। इट इज ऑफन कॉल्ड, इसको हम बहुत बार बोलते हैं ईडी फॉर्म। जो ईडी फॉर्म बनती है एज इट फॉर्मुलेटेड बाय एडिंग डी और ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब फॉर्म में डी और ईडी ऐड करते हैं इसके बेस फॉर्म में। सम पास्ट पार्टिसिपल आल्सो एंड विद टी, ई एन और एन। कुछ पास्ट पार्टिसिपल टी, एन और एन से भी एंड होते हैं, जैसे कि
रीड करो क्लास, क्या होता पेज नंबर आपके 70 है, चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 70 पे आपका ये सब कुछ दे रखा है। पास्ट पार्टिसिपल रीड इट टिल हियर। ओके क्लास, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो जो आपको दे रखा है उसको हम कंप्लीट कर। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ ताकि मैं ऊपर से लिखूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आपका जो पहला है पेज नंबर 71 पे, ठीक है।
आगे लिखते हैं जो आपके थ्री अभी लेफ्ट है, ओके okay, क्या